प्रोफेसर साहब, अभी आप देख रहे हैं कि विवाद पे विवाद चल रहे हैं पूरे देश के अंदर। अभी कुछ दिन पहले लाल किले को गिरवी रख दिया, अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जो मोहम्मद जिना जी की, इनका ऐसा है जी, इनका यही है सबका साथ और सबका विकास जी। जो फर्जी नारे दिए थे ना, ये सबका साथ तो लिए ही हैं लेकिन सबका विनाश कर रहे हैं। इनके मूल में है विनाश करना। जहाँ तक जिन्ना साहब का वहाँ मूर्ति विवाद है, भाई एक बार बताइए ना, आप कह रहे हैं विभाजन करने वाले, तो ये संघ की, आरएसएस की और हिंदू महासभा की क्या भूमिका थी भारत के विभाजन में, इस पर भी एक बार इतिहास पड़ताल कर लें ना, इस पर बहस कर लें पूरी कि आप क्या चाहते थे जी। नंबर एक। नंबर दो, अरे आपके गुलामी के तो इतने सारे प्रतीक हैं, ये तो छोड़ दीजिए ना, इतने सारे प्रतीक हैं कि आप किस किस को मिटाते चलेंगे, कहाँ मिटाते चलेंगे, उतने आपके जो सर्फ एक्सेल और डिटर्जेंट आपके जो है फेल हो जाएंगे मिटाने में। तो आप एक दब्बू, एक डरपोक, एक गुलाम प्रवृत्ति के लोग रहे हैं, इसको स्वीकार करने में आपको क्या दिक्कत होती है। ये जो लोग सत्ता में अभी बैठे हुए हैं, उनको लगता है कि भाई पुष्यमित्र सिंह के बाद जो है हमारा राज पहली बार आया है, तो सत्ता इनको पच नहीं रहा है। तो सत्ता मिलना और सत्ता को पचाना, ये दोनों दो अलग अलग बातें हैं। और बड़ा महान वो नहीं होता है जो सत्ता पा जाता है, बड़ा महान वो होता है कि जो अपने सफलता को पचा जाता है। तो इनको एक्चुअली बेसिक जो लबोलुआब मौलिक बात ये है कि हर फ्रंट पे ये सरकार फेल रही है, समझ गए आप। जाति के नाम पर आए, अब मैं नीच हूँ, मैं नीच हूँ, मैं पिछड़ी जाति का हूँ कह के आप इमोशनल अपील करके आप प्रधानमंत्री बने, दलित को सुरक्षा दे नहीं रहे हैं, पिछड़े आदिवासी को सुरक्षा दे नहीं रहे हैं, और जो भी प्रतिनिधित्व के नाम पे थोड़ा आरक्षण था उसको भी आप प्राइवेटाइजेशन करके सब खत्म ही कर रहे हैं, मुसलमान को पीट ही रहे हैं और रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, किसानों की जो समस्या है वो आप देख ही रहे हैं, मजदूर परेशान है ही, नौजवान बेचारा सड़क पे है, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किए थे, दिए रहते तो कम से कम 8 करोड़ लोग को रोजगार मिला रहता। तो ये हर मुद्दे पे चूंकि फेल हो गई है सरकार, तो इस तरह के सिगुफे जो है छोड़कर और लोगों का ध्यान जो है उसमें भटकाने की कोशिश करते। वही नहीं, आप भ्रष्टाचार मुक्त भारत के नारे पे भी आए थे, अगर इस सरकार में देखेंगे तो भ्रष्टाचारी सब कहते बल्ले बल्ले हैं, मौज है, जितना मर्जी है पैसे ले लो, भाग जाओ, देश छोड़ दो। तो इतने भगोड़े कभी हुए थे इस देश में? कभी नहीं हुए थे। तो ये हर फ्रंट पे चूंकि फेल है, तो इस तरह के जो है ना बेकार की बहस को विमर्श करके लोग समझते हैं कि लोगों का ध्यान आकर्षित इधर से उधर भटका देंगे, तो ये संभव नहीं है। समाज जागृत रहता है, समाज सोचता रहता है, रोज प्रतिक्रिया नहीं देता है समाज, लेकिन सही समय पे वो अपनी प्रतिक्रिया दे भी देता है जी। जिस तरीके से SC ST एक्ट को डाइल्यूट करने की कोशिश हुई, ये सरकार इतनी चालू है कि जो अपने नहीं कर सकती वो कहीं ना कहीं न्यायपालिका के थ्रू उस तरह के ऑर्डर पास करवाती है, पास करवाती है। तो दो तरह जो SC ST एक्ट के इशू पे, आप दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे भारत बंद हो गया। तो ये कैसे बंद हो गया, ये आक्रोश थे ना लोगों का आक्रोश था उसमें, पिछड़ा आदिवासी मुसलमान जो प्रगतिशील फोर्सेज हैं सब लोग उसमें शामिल थे जी। तो ये समझना पड़ेगा, इसलिए लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है और समय समय पे लोग अपना रोष, अपना गुस्सा जो है वो जाहिर करते भी हैं। सर, ये स्टेचू से ही, प्रतिमाओं से ही इस तरीके का, मतलब इनको एक विरोध प्रकट करते हैं कि भाई जिना की यहाँ क्यों लगा दी, बाबा साहब स्टेचू क्यों लगा दी, जब इन्हें स्टेचू से और इतना डर है, तो जब आम आदमी इनके सामने आके खड़ा होगा तो उनसे कितना डरेंगे ये? वो देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर का स्टेचू नहीं है जी, वो प्रतीक है, मतलब समझ गए, विचारधारा का प्रतीक है। और चूंकि उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर बहुत लिखा था और उनकी आलोचना की थी और बाद में वो बौद्ध भी बने थे, तो ये सरकार तो कहती कुछ और है, करती कुछ और है, गले में माला विचारों पर ताला है। तो डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से इनको डर है, इसलिए कभी मूर्ति तुड़वाना, कभी उनका रंग बदलना, ये तमाम इन्हीं के लोग सब करते रहते हैं, इन्हीं के लोग सब करते हैं इसमें। तो क्या कीजिएगा, इनको जब मूर्ति से डर लग रहा है, अब तो लोग में धीरे धीरे अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर की चेतना का प्रसार हो रहा है। आप देख रहे हैं विश्वविद्यालयों में ही क्या मतलब बना हुआ है, एकदम अखाड़ा वैचारिक विमर्श का।
तो ये एक्चुअली सबसे डाइवर्ट कि इनको सबसे परेशानी है, एक तरफ कहते हैं कि इनको इनको सबसे परेशानी है, एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो चाय बनाने वाला एक प्रधानमंत्री नहीं, नहीं तो वही तो है मार्केटिंग है ये, तो माननीय मोदी जी तो बढ़िया मार्केटियर है ना, मार्केटिंग करते हैं बढ़िया, बाबा साहब के नाम लेके प्रधानमंत्री बन गए, जितना काम कर रहे हैं सब बाबा साहब के विचारों को उलट है जी, जितना काम कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा पे कहा था 1927 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में कि शिक्षा तो इतनी सस्ती होनी चाहिए कि जो सब लोगों को मिले, तो क्या ये सरकार शिक्षा सस्ती कर रही है कि बेच रही है यूनिवर्सिटीज़ को, बर्बाद कर रही है? तो नाम लेकर आए हैं, जिस टाल पे चढ़े हैं उसी का दुरुपयोग कर उनके उल्टा काम कर रहे हैं सीधा। तो ये तो अब धीरे धीरे अब लोग समझ गया है, जो लोग वोट देखिए आपको क्लाइमेक्स के दिन में भी 2014 में भी जब क्लाइमेक्स था तब भी आपको कितने वोट मिले थे, पोल्ड वोट के 31% मात्र मिले थे, और उस समय अभी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, 10 साल का यूपीए का जो है एंटी इनकम्बेंसी था और तमाम था। तो अब तो 4 साल आप शासन में रहे हैं, तो जब आपको चुनाव में तो आप ही को देना पड़ेगा ना, कांग्रेस को तो देना नहीं पड़ेगा ना, किसी और पार्टी को देना पड़ेगा, तो एनडीए को और मूल रूप से भाजपा को जवाब देने पड़ेगा कि 4 साल में जो आपने किया है। तो अब इतने क्लाइमेक्स में 31% वोट था, तो आप समझ लीजिए कि 19 में कहाँ जाने वाले हैं, 19 में अब तो इक्वेशन बदल गया है पूरा, सपा बसपा करीब आ रही है और फूलपुर गोरखपुर में आपको हरा ही दिया, तो ईवीएम से आप जितना हेरा फेरी करवा लेंगे लेकिन जनता जब एक मुश्त वोट देगी तो ईवीएम भी फेल हो जाएगा जी, ईवीएम भी फेल हो जाएगा। तो यही सर, लेकिन सर इस तरीके के सांसद जो अपना बयान दे देते हैं कि जीना की मूर्ति नहीं लगनी चाहिए छात्र संघ के कार्यालय के अंदर, क्या सर इन पे कोई पाबंदी है या नहीं, गैर जिम्मेदाराना हरकत है क्या इन्होंने? और जिन्ना साहब की तारीफ तो लाल कृष्ण आडवाणी किए थे जाकर जी, पाकिस्तान तो और अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने बस और ट्रेन शुरू किया था पाकिस्तान से, तो मतलब इस तरह के प्रधानमंत्री जी को चाहिए और बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं कि इस तरह के उलूल जुलूल हरकत जो उनके नेता करते हैं उस पर पाबंदी लगाएं, कि अगर नहीं लगा रहे थे इसका मतलब है कि इनका शह है उनको, इनके तरफ से उनको एक अनकहा सपोर्ट है कि सब करते रहो, डाइवर्ट करते रहो अटेंशन लोगों का, यही हो सकता है। धन्यवाद।